नमस्ते, मेरा नाम है दिशा और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे हिंदी चैनल पर जिसका नाम है डिज़ाइन डेकोरन दिशा। मेरे इंग्लिश चैनल को देखने के लिए आप ये कार्ड क्लिक कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक कर सकते हैं। आज मैं बहुत सारे ये बेम्बू की सारी बास्केट्स और बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ यहाँ बैठी हुई हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी से आप किस तरह से इनको चेंज कर सकते हैं, इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और कितने तरीकों से, अलग अलग तरीकों से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बास्केट से लैम्प बना लेते हैं। मैंने सबसे पहली अपनी लैम्प जो है वो 2 साल पहले बनाई थी। अभी इस बास्केट से हम एक सिंगल हैंगिंग लैम्प बनाएंगे। उसके लिए मैंने बास्केट के बेस को पहले ही कट कर दिया है क्राफ्ट नाइफ से, होल्डर का साइज़ लेकर। और ये होल्डर है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, इसे हैंगिंग लाइट किट कहते हैं। ये क्लैंप है, इसे रिमूव करके और इसमें बास्केट को मैं फिक्स कर दूंगी और क्लैंप टाइट करने के बाद अब यहाँ पर बल्ब लगा दूंगी और लैम्प रेडी है। तो यही वो लैम्प है जिसकी मैं बात कर रही थी। 2 साल पहले मैंने जो मैं अपनी फ़र्स्ट लैम्प बनाई थी DIY करके, इसे कहते हैं कैनोपी किट। इसमें अलग अलग वायर्स होते हैं, एक क्लस्टर जैसा आप बना सकते हैं। ये होल्डर है, इसी की साइज़ का मैंने बास्केट पे एक होल बना लिया था। 3 बास्केट्स हैं मेरे पास, सभी में मैंने होल बना लिया है और अब इनमें हम होल्डर को फिक्स करेंगे, क्लैंप लगाएंगे और बस इसके बाद सारे वायर्स को जो है वो कैनोपी में फिक्स कर देंगे। वायर्स की लेंथ को हम घटा बढ़ा सकते हैं आसानी से क्योंकि इसमें इस तरह के क्लैंप्स होते हैं और इन्हें यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद इस कैनोपी को सीलिंग पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डाइनिंग रूम मेकओवर वीडियो। और ये हमारी क्लस्टर पेंडेंट लैम्प रेडी है। अब बना लेते हैं एक डेस्क पे रखने वाली डेकोरेटिव लैम्प। उसके लिए मैंने ये कॉनिकल शेप में लैम्प ली है और ये है स्ट्रिंग लाइट जिसमें छोटे छोटे से LED बल्ब्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं लैम्प के टॉप पर स्ट्रिंग लाइट के एक एंड को सिक्योर कर दूंगी, उसे अच्छी तरह से रैप कर दूंगी जिससे वो वहाँ से निकले ना। और इसके बाद इन छोटे छोटे बल्ब्स को मैं गैप्स के थ्रू बाहर निकालूंगी और ये वहीं रहेंगे, आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि आप ना निकालें। और ये तैयार हो गई है एक सुंदर सी दिखने वाली डेस्क लैम्प। बास्केट से प्लांटर बनाना बहुत ही आसान है। ये वाला हम बहुत क्विक बनाएंगे। इसमें मैंने बस गोल्ड पेंट जो रेडीली अवेलेबल होता है मार्केट में उसी को मैंने सीधे पेंट कर दिया और बास्केट एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गई और ये बहुत ही फेस्टिव लग रही है और बहुत ही एलिगेंट लग रही है। बोहेमियन प्लांटर्स को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस पार्शली बास्केट को पेंट करना है, आधा या चाहे तो पूरा किसी भी एक या दो कलर में पेंट कर दें। यहाँ इस बास्केट को मैंने लेफ़्ट ओवर जो मेरे पास पेंट पड़े हुए थे वॉल पेंट, उन्हीं से वाइट और ग्रे में पेंट किया।
उसके बाद जब कलर सूख गया तो मैंने उसमें पॉम पॉम लेस लगा दी और इस तरह से तैयार हो गया ये बोहेमियन प्लांटर। अब बास्केट से वॉल्स को भी कितने अच्छे से डेकोरेट किया जा सकता है, ये मैं यहाँ पर राउंड बास्केट फिर से ले रही हूँ। इसमें मैंने लूप बनाकर मैक्रमे लगा दिया है बेस पर और इसे नेल पर आसानी से हैंग किया जा सकता है और इसके अंदर कोई भी ब्यूटीफुल आप डैंगलिंग प्लांट लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं और देखिए कितना सुंदर लगता है। इस तरह की बास्केट्स को वॉल डेकोर में यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एक हुक पीछे लगाना होगा। इसके बाद ये जो सेंटर पार्ट है इसमें आप कई सारी चीज़ें जैसे कि मिरर, कोस्टर्स, आर्ट वर्क कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करने जा रही हूँ, ये डबल साइडेड टेप है, इसका एक छोटा सा पीस मैंने लिया है, इसे मैं बास्केट के सेंटर में स्टिक कर दूँगी और इसके बाद मैं ये रिमूव करूँगी। और अब यहाँ पर हम कई सारी चीज़ें लगा सकते हैं बदल बदल कर। मैं ये कोस्टर्स यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने DIY किए थे, इसका भी ट्यूटोरियल आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये कोस्टर मैंने यहाँ पर लगाया है, इसे आसानी से रिमूव किया जा सकता है और इसकी जगह पे कोई दूसरा कोस्टर जैसे कि ये फ्लावर वाला कोस्टर मैं लगा सकती हूँ, या इसके अलावा ये फिश वाला कोस्टर है ये भी मैं लगा सकती हूँ। और भी मेरे पास है, न्यूज़पेपर से बनाया हुआ कोस्टर है, इसे भी मैं यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ। इन सब को निकालना भी काफ़ी आसान है क्योंकि डबल साइडेड टेप है, इतना स्टिकी नहीं होता है तो आसानी से ये निकल भी आते हैं और स्टिक भी हो जाते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वॉल पे कैसा दिखाई देता है। अब बास्केट से ही इस तरह का मैक्रमे प्लांटर भी बनाया जा सकता है, इसका भी ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, बोहेमियन लुक देता है और इसमें किसी भी तरह का प्लांट रख सकते हैं पॉट के अंदर रख कर उसे और आसानी से वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। अब सबसे आखिरी में मैं आपको बता दूं कि बास्केट को स्टोरेज बिन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, इसमें आप आसानी से अपना क्लटर हाइड कर सकते हैं और ये ट्रेंडी भी लगती हैं और सबसे बढ़िया बात है कि इसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी इस तरह का कुछ ट्राई करें तो पिक्चर मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, ये है मेरा फेसबुक आईडी और आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप या तो ये वीडियो देखें या ये। Wish you all love, luck and sunshine.